अभी तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही एशिया के अंदर एक और नई जंग शुरू हो गई। और इस जंग के नाम से ही पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि जब से नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी मिलिट्री के एक सैनिक को गिरफ्तार किया है तभी से इस जंग की शुरुआत हुई है। और अब अमेरिका भी अपनी परमाणु सबमरीन वॉरशिप और सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर साउथ कोरिया पहुँच गया है। और दुनिया के होश तो उस समय उड़ गए जब फ्रांस ने भी अपने राफेल फाइटर जेटों को साउथ कोरिया भेज दिया। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जो अमेरिकी परमाणु सबमरीन से लेकर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तक साउथ कोरिया पहुंच गए। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया की बढ़ती परमाणु ताकत ने साउथ कोरिया के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। और पिछले लंबे समय से नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया के ऊपर से अपनी न्यूक्लियर आईसीबीएम मिसाइलों को दाग रहा है, जिसने साउथ कोरिया के साथ साथ जापान में भी हड़कंप मचा दिया है। लेकिन दुनिया हैरान तो तब रह गई थी जब नॉर्थ कोरिया ने यूएस मिलिट्री के एक सैनिक को गिरफ्तार कर लिया था। अब आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि जब अमेरिकी मिलिट्री का एक सोल्जर गलती से नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार कर गया था तो नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में जंग जैसे हालात बन गए। जिसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन कमांड के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया से अपने उस सोल्जर ट्रैविस किंग के बारे में बातचीत करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिकी सोल्जर को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के इस कदम के बाद अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले लिया और साउथ कोरिया को अपनी दूसरी परमाणु सबमरीन को भी रवाना कर दिया। और यूएस की इस फ्लीट में सबमरीन के साथ साथ वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है जो नॉर्थ कोरिया के पिछवाड़े में ही आतंक मचाएंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सबमरीन और वॉरशिप साउथ कोरिया पहुंचे, वैसे ही नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान के साथ साथ साउथ कोरिया में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। और नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल दागते ही एक नई जंग ने जन्म ले लिया। लेकिन इस जंग में हड़कंप तो तब मचा जब अचानक से इस जंग में फ्रांस भी कूद गया और अपने खूंखार राफेल फाइटर जेटों को जापान भेज दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलकर लगातार साउथ कोरिया और जापान के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइल और मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस आर्टिकल में साफ देख सकते हो कि फ्रांस ने पहली बार अपने राफेल फाइटर जेटों को जापान भेजा है, जहां पर दोनों ही देशों की एयरफोर्स मिलकर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम देंगी। और दोनों ही एयरफोर्स की तरफ से ये युद्ध अभ्यास भी वही होगा जहां चाइना अपना दावा ठोकता है, क्योंकि इस समय चाइना ने पूरे साउथ चाइना सी को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। लेकिन अब उसी साउथ चाइना सी में फ्रांस अपने राफेल के साथ जापानी एयरफोर्स के साथ एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम देगा,